a shapeshifter, India's Daniel Day-Lewis, and he has again transformed himself into Jayesh Bhai. So ladies and gentlemen, jordar taaliyon ke saath swagat kare the superstar of our country, also now known as Jayesh Bhai Jordar. Jordar taaliyon ke saath, please welcome. कतई जोरदार सर, सबसे पहले तो इतना जोरदार मूवी बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि ट्रेलर देख के समझ आ गई है कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म तो एकदम जोरदार चलेगी। लेकिन आप कई फिल्म में अपना सवाल लेकर आता हूं सर, मेरा सवाल यही है कि रणवीर के साथ आपकी फिल्मों का जो सिलसिला चलता है ये अपने आप में बहुत जोरदार है। जब इन्होंने डेब्यू किया, आपने डेब्यू किया, आप लोग दुनिया के लिए बैंड बाजा तैयार कर रहे थे उनकी बारात निकालने के लिए। कहानी बैंड बाजा से शुरू हुई, कब शादी हो गई, कब निपट गया, और आप जयेश भाई को लड़का होगा कि लड़की, ये सवाल पूरी कंट्री में चल रहा है। आपका ये सफर रणवीर सिंह के साथ और इस मूवी के लिए कैसा था? सर आप जौहरी हो, क्या ढूंढ लेते हो, हीरे ढूंढते हो सर। क्या स्क्रिप्ट ढूंढा आपने जयेश भाई जोरदार, क्या लड़का ढूंढा आपने, मतलब 10 साल से लगे पड़े हो बस। टैलेंट है आपका सर, ढूंढना, हीरा ढूंढना आपका टैलेंट है सर। सर आपने मेरे बोलने के लिए कुछ नहीं छोड़ा। आपके मुंह से अच्छा लगता है सर, आप ही बोलो। आई थिंक मैं सेफली कह सकता हूँ कि ये जो हमारा जोरदार है, जो बैंड बाजा बारात से जिनका ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये जर्नी शुरू हुई है, एंड आई डिडंट पुट इट टुगेदर कि इनकी पहली पिक्चर में इनकी ये शादियाँ करा रहे थे और इन्होंने शादी भी करी, और आफ्टर अराउंड अ डेकेड अब लड़का होगा या लड़की का डिसीजन हो रहा है। तो आई गेस वी हैव कम अ लॉन्ग वे। इट्स आई डिडंट इवन रियलाइज ऑन द वे व्हाट ऑल वी गॉट प्रेग्नेंट विद। बट मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा रणवीर के बारे में कि जब मेरी पहली फिल्म के लिए हम कास्टिंग कर रहे थे, मैं चाह रहा था मुझे अच्छा बिट्टू शर्मा मिल जाए, और ये एक ऑडिशन के रूप में प्रकट हुए। आपको तो पता है कि जो लोग प्रकट होते हैं वो क्या महत्व रखते हैं आपकी लाइफ में, तो वो महत्व चला। एंड आई फाइंड इट लिटिल वियर्ड टू टॉक अबाउट आवर फर्स्ट फिल्म रिपीटेडली, बट नाउ वी आर हियर, एंड ये जो सिलसिला चला है, हम जयेश भाई जोरदार के लिए भी चाहते थे कोई प्रकट हो जाए। मैंने जब ये स्क्रिप्ट पहले बार आई थी, मैं वो किस्सा ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। आई थिंक ये स्टोरी
मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा मीडिया के साथ, लोगों के साथ। ये स्क्रिप्ट बाय चांस मेरे पास आई थी। एक कॉमन फ्रेंड ने मुझे कहा कि यार एक कुछ इंटरेस्टिंग है, मैं आज पढ़ने वाली हूँ। मैंने कहा मुझे भी भेज दो, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं भी पढ़ूंगा। एंड मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी उसी दिन, संडे था। मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ के, उस पे स्क्रिप्ट पे नाम लिखा हुआ था तो दिव्यांग ठक्कर लिखा हुआ था, उनका नंबर था, उन्होंने रजिस्टर कराई हुई स्क्रिप्ट तो होता है उसमें आपको नाम फ़ोन नंबर लिखना होता है। मैंने उन्हें मैसेज करके कहा कि आप प्लीज़ मुझसे मिलने आ जाइए परसों। वो आ गए। उनको पता भी नहीं था कि वो फिल्म ऐसी जगह आ रही है कि मैं फिल्में बनाता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ, यशराज फिल्म्स में। एंड वो स्क्रिप्ट आई एंड मैं उनसे मिला और मैंने उनको कहा कि यार आपकी कहानी इतनी यूनिक है, इसमें इतना पोटेंशियल है, हमें इसमें ज़रूर थोड़ा सा काम करना चाहिए। मुझे लगता है ये फिल्म बहुत बड़ी है, और इसलिए बड़ी नहीं है कि यू नो आई थिंक बड़ी इसलिए क्योंकि इसका इमोशन बहुत बड़ा है। जो ये एंटरटेनमेंट के साथ बात कहने वाली है वो ज़रूर हरे तक पहुंचनी चाहिए। क्या होता है, एज अ फिल्म मेकर वी टेंड टू लुक फॉर समथिंग, हमारा मन करता है यार ये बनाते हैं मज़ा आएगा, एक कहानी का आइडिया ये करते हैं, बट कुछ स्क्रिप्ट होती हैं पढ़ते हो बोलते हैं ये बननी चाहिए, इसका बनना ज़रूरी है, इसका रीच आउट होना ज़रूरी है। सो जयेश भाई जोरदार हैड दैट क्वालिटी फ्रॉम डे वन। आई मेट अ फर्स्ट टाइमर, आई हैड नो आइडिया व्हाट इज एक्सपीरियंस, हिज राइटिंग वॉज सो यूनिक, सो अमेजिंग। आई सैट विद हिम, वी वर्कड ऑन अ ड्राफ्ट, वी गॉट इन अनदर को राइटर, इन अ मैटर ऑफ 2 weeks आई मेट आदित्य चोपड़ा। आई टोल्ड हिम यार एक स्क्रिप्ट है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ ये बनानी है, प्लीज़ ये बनाते हैं। उसने कहा यार इतना तो तुमने कुछ भी और मुझे पिच नहीं किया कभी पहले। एंड ही रेड इट एंड नेक्स्ट डे ही कॉल्ड मी एंड ही सेड तो कब बनानी है। एंड देन वी गो डाउन टू द कास्टिंग। नाउ कमिंग बैक टू द प्रकट पार्ट, आई टोल्ड हिम कि यार आई थिंक वी शुड अप्रोच रणवीर। एंड आदि वाज लाइक यार रणवीर विल बी वेरी गुड बट यू नो ही इज रियली बिजी, हिज कैलेंडर इज पैक्ड एंड वी वर ऑल अवेयर ऑफ दैट एंड वर्किंग विद द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स ऑन सच बिग फिल्म्स। आई सेड यार पढ़ा देते हैं, अगर उसको पसंद आएगी तो फिर देख लेंगे। एंड आई गेस ही जस्ट शेयर्ड द एनेक्डोट, ही हर्ड द स्क्रिप्ट एंड रेस्ट एंड नाउ वी आर स्टैंडिंग हियर टुडे। सो या इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी। आई थिंक इस फिल्म की खूबी यही है कि जो इसका दिल इतना सच्चा था पेपर पे, वो बनाने वालों को फील हुआ, फिर एक्टर्स को फील हुआ, फिर सबको फील हुआ। एंड आई रियली रियली होप एंड आई बिलीव ये इमोशन ऑडियंस तक जरूर ट्रैवल करेगा। आई रियली लुक फॉरवर्ड टू योर रिएक्शन टू द फिल्म। बात है सर, सर सच्चे दिल की बात की है, सच्चे दिल वाला हमारा राइटर डायरेक्टर जो हमारी लाइफ में प्रकट हुआ है जो उस नरेशन के बाद मैं उसको पूछ रहा था, भाई तू कौन है, कहां से आया है, कैसे सोच लिया तूने, कैसे लिख दिया तूने, तुझे भी हिसाब नहीं है, तूने क्या लिख डाला है। तो उनकी बात छिड़ी है तो उनको भी बुलाना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, द न्यू डायरेक्टोरियल सेंसेशन, इट्स दिव्यांग ठक्कर। पहली बार हम मिले, आपने मुझे नरेशन दिया, मैंने आपको वही सवाल किया, अब पूरे पब्लिक फोरम में आपको पूछ रहा हूं आप क्या चीज हो, आप कैसे सोचते हो ऐसी चीजें, आप आइडियाज कहां से निकाल के लेके आते हो, इतने यूनिक ओरिजिनल, आप कौन हो, कहां से आए हो और आपने कैसे लिख डाला ये और बनाया कैसे, हंसाते हो, हंसाते रहते हो, फिर रुलाते हो, बताओ सर आपके बारे में बताओ, आप यहां आज कैसे कैसे कैसे, कैसे? अरे ओ अरे थैंक यू यार, अरे वाह, ओ थैंक यू सो मच, थैंक यू। देयर आर सम गुजरातीज इन द ऑडियंस आई बिलीव,
थैंक यू। तो हुआ क्या था कि मैं राइटिंग एक लोनली प्रोसेस है, अपने कमरे में बैठकर मैं कहानी लिख रहा था। किरदार आए थे सामने, किरदार कभी हंसाते थे कभी रुलाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि आई जस्ट फेल्ट समथिंग गोइंग थ्रू माई बॉडी, लाइक मैं नहीं लिख रहा था, वो कोई और फोर्स थी जो लिखवा रही थी मुझसे। और आई जस्ट इन दैट मोमेंट आई क्लोज्ड माई आईज एंड आई प्रेड दैट ये जो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ थ्रू सम फोर्स, ये एंटरटेनमेंट, ये हंसी, ये रोना, ये फैमिली का साथ, ये मुझे देश के हर कोने तक पहुंचाना है। मुझे पता नहीं था कैसे होगा, मतलब आई डिडंट हैव एक्सेस टू एनीबॉडी, बट ये इंटेंशन मैंने रखा था कि ये कहानी, प्लीज आप जो भी लिखवा रहा है, जैसे म्यूजिक डायरेक्टर से आप पूछते हो कि गाना कहाँ से आता है, बोलते पता नहीं कहाँ से आता है, वैसे मेरा भी ऐसा ही है, आई डोंट नो वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम। कभी कभार मैं लिख के अगले दिन मैं खुद देखता हूँ मैंने लिखा ही है, वैसा होता है। तो या दैट फोर्स, आई बिलीव दैट यूनिवर्सल फोर्स हैज ब्रॉट मी टू दीज जोरदार कोलैबोरेटर्स। इनके बिना ये नहीं होता। मतलब मैं जब इनसे मिला था, मैंने वो जैसे कह रहे थे कि हमारी कॉमन फ्रेंड है नम्रता राव, उसको थैंक यू नम्रता, थैंक यू, आई वॉन्ट टू जस्ट थैंक यू, जो फिल्म के एडिटर भी हैं, नम्रता थैंक यू फॉर सेंडिंग द स्क्रिप्ट टू हिम। एंड मैंने सुना था दोस्तों से कि यशराज में आप स्क्रिप्ट भेजते हो तो काफी टाइम लगता है, एक साल लगता है, दो साल लगता है पढ़ने में। आई गॉट अ कॉल विद इन टू डेज ऑफ सेंडिंग ऑफ द स्क्रिप्ट बींग सेंट एंड फ्रॉम हिम, एंड आई वॉज इन अटर शॉक। मतलब दो दिन बाद मैं यशराज में बैठा हुआ हूँ और मुझे मनीष शर्मा, हुआ मैं ह्यूज फैन ऑफ सिंस बैंड बाजा बारात, इज टेलिंग मी दैट आई वॉन्ट टू मेक योर फिल्म, एंड ही इज टेलिंग मी दैट ओके यू वॉन्ट टू डायरेक्ट इट। ही इज नॉट आस्किंग मी कि आपने पहले क्या किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कैसे बनाओगे इस फिल्म को, नथिंग। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दोज 90 पेजेस इन फ्रंट ऑफ हिम, दिस मैन दैट डे टोल्ड मी दैट आई वॉन्ट टू मेक दिस फिल्म, provided we collaborate together, and I would say that his gut got him, his gut got me, I'd say more power to his gut, because that's what I think I would be in his place. Koi anjaan aadmi aake 90 panne mere samne rakh raha hai, main kyun trust karu usko, wo bhi itni badi opportunity, and within a month of that I'm sitting in front of him, yeah, and I'm like what is happening, you know, like I was in a daze, mujhe kuch pata nahi tha, main bas ye soch ke gaya tha ki main sabse bade superstar ya mere sabse favorite actor ke samne matlab saath narration le raha hu aur main usko dekh raha hu, fir main haath ja rahe, tissue khatam ho gaya, tissue khatam ho gaya yaar, ye kab hua, itna hase itna roye hisab nahi tha. So yeah, so I knew from scene number 2 that this is my Jayesh and this is the Jayesh, there will not be a better Jayesh for this film because universe has got him here. So and I have to tell you, at the end of the narration, okay, now this is something that, I mean, the world calls him shapeshifter, chameleon, all of that, but I just want to tell you why that term has been associated with him according to me, because at the end of the narration, what I could sense in his eyes is he said nothing, we said nothing to each other, it was just a total emotion of surrender. He said, without saying anything, he said, here's a clay, giving it to you, mold it the way you want to. And that shedding of your ego and giving yourself completely to the part right from the narration, when he doesn't know me at all, is commendable, I feel. And that was so overwhelming for me that I got teary-eyed, I cried, and I went and hugged him, and I cried like for 15 minutes in his kanda while he was holding me. And yeah, so it was a very, very... ऐसे rarely होता है, narration के बाद ये भी रो रहे हैं, मैं भी रो रहा हूं, एंड आई विल टेल यू व्हाई दिव्यांग, इज जस्ट बिकॉज़ आई लव जयेश। हाउ कैन यू नॉट लव अ कैरेक्टर लाइक दैट, ही इज द मोस्ट लवेबल गाय यू विल एवर मीट ऑन स्क्रीन, मतलब ही इज जस्ट ऑल हार्ट, प्योर गाय एंड प्योर लव, लाइक यू माय ब्रदर। वो सो जैसा कि दिव्यांग ने बताया कि उस समय जब ये लिख रहे थे, कोई तो डिवाइन पावर थी जो कि इनसे लिखवा रही थी, एंड दैट्स वेयर यू सेड दैट इट इज अ मिरेकल स्क्रिप्ट। बट रणवीर,
आपके शेड्यूल्स को देखते हुए, आपकी फिल्मों को देखते हुए, यू आर टू ऑक्यूपाइड विद टू मेनी मूवीज एंड देयर आर हार्डली एनी चांसेस कि आप किसी न्यू कमर के साथ अपना फिल्म करो. व्हाट मेड यू बिलीव इन दिव्या? और आपने जयेश भाई जोरदार को सिद्धू कसम से, अगर आप उस नरेशन में होते तो आपको वो एक्सपीरियंस होता जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ उस नरेशन में, वो और उससे ज्यादा आपको फिल्म में मिलेगा. वो नरेशन दिव्यांग भाई ने जो दिया है, आई हैव नेवर हर्ड अ नरेशन लाइक दैट इन माय लाइफ. कितना हंसाया, कितना रुलाया, मतलब इतना इमोट करा करा के हालत कर दी मेरी. और इट डजंट स्टॉप दैट, यू विल सी इट इन द फिल्म, वो ट्रांसलेट हुआ है. और मैं बताऊं क्यों? क्योंकि ये ऐसे टाइप का डायरेक्टर है, ये अपने होश खो देता है. मैं आपको बताता हूं कि ये मॉनिटर कैसे देखते हैं, टेक्स कैसे देखते हैं. सीन चल रहा है हाँ, और डायरेक्टर मॉनिटर पे बैठते हैं, आप पकड़िएगा. तो सीन चल रहा है, ये स्क्रीन है, स्क्रीन ये सीन चल रहा है, हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये स्क्रीन यहाँ पे है और उनके एडीज और सब बैठे हुए हैं. हाँ, समझो ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है. तो दिव्यांग भाई इतने क्लोज है स्क्रीन के, ऐसे 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 देखते अपने टिक. It's so close, sir. He's watching from so close. और मैंने कहा यार, मैंने कहा दिव्यांग घुस ही जाना स्क्रीन के अंदर, घुस जा मॉनिटर के अंदर घुस जा. कट कॉल, सबसे ज्यादा कौन रो रहा है? दिव्यांग भाई टेक के बाद मेरे पास आ गया. That's the power of his performance. I'm just reacting as an audience. But that's what he pours into his characters, into his writing, and into our very, very special, lovely, heartfelt, cute, sweet, beautiful, hasane wali aur ronane wali aur aapko ek message dene wali film. I must tell you, Jayesh, for me, is the new age action hero. He is my action hero. Like मेरी मम्मी हर बार कोई OTT पे आजकल लॉकडाउन में कंटेंट देखना होता है तो शी इज लाइक यार वो मारधाड़ वाला थोड़ा नहीं यार, आई डोंट वांट टू वॉच दैट थिंग. क्या तो मैं बोला यार मम्मी क्या दिखाऊं तेरे को, कैसा हीरो दिखाऊं? तो ये वाला हीरो जो है, दिस इज दैट वर्जन ऑफ एक्शन हीरो दैट आई फील वी हैव नॉट सीन येट. डिफरेंट स्पिन ऑन मचिज्मो फॉर श्योर, फॉर श्योर. आप तो जौहरी हैं, आपने एक और भी हीरा ढूंढा है. आज उनसे मुलाकात करने के लिए सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनसे मिल लेते हैं सिद्धू भाई. तो भाई देखिए, ऐसा है कि जहां हमने फिल्म की जान जयेश भाई जोरदार से बात कर ली, वहीं पर अब बारी है फिल्म की दिल से मिलने का. जयेश भाई नी बाईडी बोले तो द लीडिंग लेडी ऑफ द फिल्म, जिन्होंने डेब्यू किया है बॉलीवुड में, विद जयेश भाई जोरदार. लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से स्वागत करें द लीडिंग लेडी ऑफ द मूवी, शालिनी पांडे. जोरदार ना थी? जोरदार, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. सो सबसे पहले तो चाली तेरा टाइम आ गया. टाइम कैसा लग रहा है अभी? आई कैन नॉट बिलीव इट. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग. फर्स्ट टाइम है, ताली बजा यार. तालियां होनी चाहिए जोरदार. मैं इसके बाद जाके थोड़ा बैक स्टेज पे रोऊंगी. तो अब पक्का अच्छे से रोना, अच्छे से. फिल्म में भी जब ट्रेलर देख रहे थे उसमें भी आप दो तीन जगह ऐसे रोए कि अपन को रोना आ ही गया. बट एक चीज जानना चाहते हैं, जैसे ही अभी रणवीर ने कहा कि शालिनी टाइम आ गया, इस पूरी फिल्म को शूट करते हुए और आज ट्रेलर लॉन्च तक इन पावर पैक लोगों के साथ आपका टाइम बीता कैसे? क्या बताऊं, मतलब मेरी जर्नी ऐसी रही है इस फिल्म की कि
पहले थैंक यू टू शानू. शानू ने मुझे कैफे में देखा था और वहाँ पे उसने मुझे मैसेज किया था और कॉल किया था. और तभी मुझे लगा कि ठीक है, यशराज की फिल्म है, ऑडिशन करना है, थोड़ी ना होगा मेरा कुछ. एक मिनट, शानू ने रेस्टोरेंट में इनको देखा था. आप रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी वो बताना जरूरी क्या है. क्या बताया उसने आपको? वेटर की क्लास ले रही थी आप? नहीं नहीं, मेरा नाम मत बदनाम करो यार. ये कौन पटाखी है यार? नहीं नहीं, मैं जानती थी उनको, मैं अपना सीट चेंज करवा रही थी, ऐसा कुछ नहीं था. उसके बाद मुझे लगा कि मेरा ऑडिशन होगा, ठीक ठाक होगा, यशराज में थोड़ी ना पिक्चर मिलनी है. मैंने दे दिया और मुझे लगा मेरी जिंदगी का सबसे खराब ऑडिशन हुआ है. और मुझे दो दिन बाद कॉल आया दो दिन बाद कॉल आया कि एवरीबडी लव्ड यू एंड दे वांट टू मीट यू एंड मनीष शर्मा वांट्स टू मीट यू. आई वाज लाइक, मनीष शर्मा बैंड बाजा बारात, वही वाला. और मनीष शर्मा को ज्यादा किसी ने देखा नहीं है ना, ही डजंट कम आउट अ लॉट. मुझे लगा ओके, पता नहीं कैसा होगा. मैं मिली और बहुत ही चिल मीटिंग थी. हम मिले और इन्होंने मुझे बोला कि देख, मैं तुझे पहले बता रहा हूँ, प्रेग्नेंट वुमन का कैरेक्टर है, तू करेगी? मैंने बोला सर मैं करूँगी, पर मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी है. और उन्होंने बोला ठीक है पढ़ ले. और मैंने उनसे पूछा आपने मेरा ऑडिशन देखा? तो अभी तक वो मुझे बताते कि उन्होंने मेरा ऑडिशन नहीं देखा है. इनका आज तक ऑडिशन, आई डोंट नो उन्होंने क्या देखा मुझ में. एंड ही रियली लाइक मी, सो थैंक यू सो मच. विदाउट सीइंग माय ऑडिशन ही वाज वाउचिंग फॉर मी, सो थैंक यू सर. आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल. एंड मैं दिल से बोल रही हूँ ये, मैंने कभी भी इनको नहीं बोला है खुद से, क्योंकि अब हम इतने अच्छे दोस्त हैं कि मुझे अजीब लगता है ये सब बोलना. और फिर तब इन्होंने मुझे बताया कि ये रणवीर सिंह की फिल्म है. तब मुझे पता चला कि इसकी मैं तारीफ नहीं करती. मैंने इसका सता सता के हाल किया, इतना परेशान किया. मैं बहुत परेशान करता हूँ, न्यू कमर है ना यार, थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत में रैगिंग तो होनी चाहिए ना. पर इसने बहुत प्यार दिया है मुझे. तब मुझे पता चला कि रणवीर की फिल्म है और मैं बिलीव ही नहीं कर पाई कि इस फिल्म के लिए ये ऑडिशन दिया, जो मुझे सबसे गंदा ऑडिशन लगा अपनी लाइफ का, और वो रणवीर सिंह की फिल्म है. देन मुझे टाइम लगा थोड़ा सिंग करने में. उसके बाद मैं दिव्यांग से मिली और दिव्यांग से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा. जैसे अगेन मैं स्क्रिप्ट पढ़ के दिव्यांग से मिली थी और स्क्रिप्ट ऐसी है कि आपको अगेन जैसे उसने कहा, हंसाती है, रुलाती है, सब कुछ फील कराती है. आप हंसते हो, आप टीयर्स के साथ स्माइल करते हो, आप खुश होते हो, आप रोते हो, आप सारे इमोशंस एक साथ फील कर रहे होते हो. और ये आदमी इतना एम्पथेटिक आदमी है खुद ही, कि मैं इससे मिली और आई वाज सो हैप्पी कि आई एम गोइंग टू बी वर्किंग अंडर समबडी हु इज सो एम्पथेटिक. और ही वाज अ न्यू कमर विद सो मच एनर्जी एंड आई वाज सो हैप्पी. एंड देन आई मेट रणवीर. और मैंने रणवीर को कभी नहीं बोला है ये, क्योंकि उसको लगेगा बहुत स्टार. बता दे कैसे देखते ही बेहोश हो गई तू? मैं कोई बेहोश नहीं हुई थी, बट मैं ब्लैंक हो गई थी, क्योंकि वो आया और मुझे लगा हाय बोलेंगे. वो आया, आते 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 ही हग मी और मैं ब्लैंक, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ ना कि इट वाज रणवीर सिंह एंड आई एम डूइंग अ फिल्म विद रणवीर सिंह एंड ही इज हगिंग मी. एंड आई हैव बीन अ फैन ऑफ रणवीर सिंह, पहली बार सुन रहा हूं, सिंस बैंड बाजा बारात. ओह वाओ यार, सिंस बैंड बाजा बारात. एक बात बताऊं, मेरा पहला ऑडिशन माइंड ब्लोइंग था, तू अपना देख. मुझे वो मुझे इसका देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, इतनी माइंड ब्लोइंग थी यार. देखो ऑडिशन नहीं देखा सर, कमाल है. तो मेरी जर्नी कुछ मतलब बहुत ही, आप अपनी जर्नी के बारे में आज बात करेंगी कि इस प्रमोशंस के दौरे में बात करेंगी? तो मेरी जर्नी बड़ी सरियल रही है, मैं इन लोगों के साथ काम कर रहा हूं, आप समझिए. आप वो कमाल वाली स्टोरी बताएंगी आज? मुझे, मैंने कंफर्म नहीं किया आपके पीआर से, बताना है ना. हाँ, क्योंकि अब ये बंबई कैसे पहुंची और फिल्मों में कैसी पहुंची, आप ये कहानी जरूर सुनना. हाँ हाँ हाँ, ये सवाल मेरे भी दिमाग में था. ये तो जयेश भाई जोरदार से भी कमाल कहानी है. आप सुनो, अगर इतना भाग रहे, ट्रेलर में हमने देखा आप भाग रहे हैं, आपको लेके भाग रहे हैं, फिर हमें ये भी पता चला कि आपने एक्टिंग एज अ करियर चुनने के लिए आप घर से भागी. भागने के इतना शौक है, देश के लिए भाग के मेडल जीता हो ना दोस्त, भागे क्यों थे घर से? ये थोड़ा एक और रिपीट और अंडरलाइन करने पड़ेगा, ये एक्टिंग के लिए घर से भाग के आई हैं और आज आपके सामने खड़ी हैं. बताइए शालिनी जी, क्या रही है आपकी जर्नी? तो मैं, मेरे पापा मुझे चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं, मैंने इंजीनियरिंग की भी और उसके बाद मुझसे हो नहीं रहा था. और मेरे पापा मान ही नहीं रहे थे मुझे एक्टिंग में जाने देने के लिए.
तो और मुझे एक्चुअली मैं ना बड़ी मतलब मुझे बड़ा ये रहता है, चिल रहती है चीज़ें करने की. मुझे लग रहा था कुछ तो एक्साइटिंग करना है मुझे, कुछ तो करना ही है. तो मैंने सोचा अभी पापा मान ही नहीं रहे और बिल्कुल ही नहीं मान रहे थे. मैं 4 साल से मना रही हूँ उनको. और ये होता है ना कि 10th कर लो, मैथ साइंस ले लो, सब करने मिलेगा, इंजीनियरिंग कर लो सब करने मिलेगा. इतने सालों से सुन रही, कुछ करने ही नहीं मिल रहा. तो फिर मैंने प्लान किया कि अभी मैं भाग ही जाती हूँ. और अभी ये बड़ा मजाक में समझ रहा है, उस टाइम बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, पर फिर मैं भाग गई. एंड थैंकफुली माय पेरेंट्स आर रियली प्राउड ऑफ मी नाउ बिकॉज ऑफ यशराज, बिकॉज नाउ दे फील दैट आई एम डूइंग अ क्रेडिबल वर्क. सो आई थिंक बिकॉज ऑफ यशराज, थैंक यू टू यशराज, क्योंकि यशराज की फिल्में हम देख के बड़े हुए. मेरे पेरेंट्स यश जी की फिल्में देखते हुए आए हैं, तो अभी उनको लगता है कि मैं कुछ तो कर रही हूँ लाइफ में. अच्छा, तू इंजीनियरिंग कर रही थी क्या, कर पाई क्या? आईटी. अच्छा, ऑनर्स डिग्री. आईटी ऑनर्स. थोपड़ा देख के नहीं पता चलता है. देखिए, इतनी सारी चीजें शालिनी के बारे में यहां तो पता चल गए. ये इनका एक बड़ा बॉलीवुड डेब्यू है. रणवीर, आपकी एनर्जी मैच करना, चाहे फिर फिल्म के शूट के दौरान हो, फिल्म के प्रमोशन के दौरान हो, ये एक डिफरेंट टास्क होता है, एक टिपिकल टास्क हो जाता है हर किसी के लिए. नॉट इवन विथ योर को एक्टर्स, बट इट ऑल्सो गोज लाइक हाई एनर्जी विथ योर डायरेक्टर्स, राइटर्स, होस्ट सम टाइम फॉर द ट्रेलर लॉन्च. सो हाउ वॉज आपका क्या ऑब्जर्वेशन था फॉर शालिनी पांडे ड्यूरिंग दिस होल शूट? आपको क्या लगा, ये कितना ज्यादा तैयार है आपके साथ एनर्जी मैच करने के लिए? और जयेश भाई जोरदार. देखो, हमारी फिल्म बहुत सच्ची है, आज एक सच्ची फिल्म का ट्रेलर लॉन्च है, तो मुझे सच बोलना पड़ेगा. इसके लिए हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे. मैं शालिनी का सच नहीं बताना चाह रहा सबके सामने. You know I got mad love for you, Charles. देखो, ये newcomers का यही होता है सिद्धू भाई, चाहे ये हो चाहे ये हो, इतने जोश और जुनून के साथ आते हैं ना कि उनकी एनर्जी मेरे लिए इन्फेक्शियस है. आई फीड ऑफ देयर एनर्जी. इनका ये तो अलग प्राणी है, हाँ, ये हमेशा लाइफ में चिल्ड आउट ही रहते हैं, कभी कोई स्ट्रेस नहीं लेते हैं. ये तो मतलब बहुत फॉर्मल तरीके से अपने बॉडी लैंग्वेज देखो, फॉर्मल तरीके से आप तो सबके सामने खड़े हैं, ये सोफे पे लेट के ही बात करते हैं. ये चिल दिल, आरामदायक, नरम दिल आदमी है, हमेशा चिल जोन में रहते हैं. ये पागल है, ये डबल पागल है, हमारी जिया डबल ट्रिपल पागल है. तो ये नए एनर्जीज के साथ काम करना, आप भी एंथूज्ड हो जाते हो, आप भी एनर्जाइज्ड हो जाते हो. एंड देन वी हैव आवर एंकर्स, बमन जी, रत्ना जी, हु आरंट हियर टुडे, बट सम ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स हु एवर ग्रेस्ड हिंदी सिनेमा. And when you watch the film, you'll appreciate that even more. There is a reason they are so respected. They have such stature and command over the craft. You know, Ratna ji, Baman ji are just, matlab unko, unke saath acting karke main kitna sikha hoon. Shalini mere saath acting karke sa kitna sikhi hai. Kitna sikhi hai, correct. Hai na? Kitna sikhi hai na? Correct, correct. Almost sab kuch mere se to sikha hai. Sab aap se sikha hai, sir. Hai ki nahi? Yeah. To isi khushi mein, आपने एक लाइन अच्छी नहीं बोली है मेरे बारे में, कुछ तो बोलिए. आज बहुत हॉट लग रही हैं आप, रियली. मतलब ट्रेलर में देखो एकदम कैरेक्टर में घुसी हुई हैं, आज तो मतलब अलग अवतार में ही. आइए, आज का आपके हॉट अवतार के परे आपका कैरेक्टर और वो वाला अवतार देखते हैं. एक लास्ट बार जोरदार ट्रेलर प्ले करते हैं, है कि नहीं? एक बार और, लेट अस डू. इसके बाद